Hey guys, welcome back to my channel. This is Nainja. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप हॉलीडे सीजन के टाइम पे होने वाले अननेसेसरी वेट गेन को अवॉइड कर सकते हैं. मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो फॉलो करके आप जो हॉलीडे सीजन में एक्स्ट्रा वेट गेन करते हैं उसे वार्ड ऑफ कर सकते हैं, उसे अवॉइड कर सकते हैं. तो ये क्रिसमस अभी गया है और न्यू ईयर अभी आने वाला है, तो ये वो टाइम है ईयर का जब हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. ईटिंग आउट, पार्टीज, बाहर का खाना, ये सब बहुत कॉमन होता है और वेट गेन जो है हमारा होता है. तो पूरे साल जो हम मेहनत करते हैं वो मेहनत इस टाइम पे आके, हॉलीडे टाइम पे आके खराब हो जाती है. तो आज के टिप्स जो मैं आपको दूंगी वो प्लीज आप फॉलो करें और ये अनवॉन्टेड अननेसेसरी वेट गेन जो है अवॉइड करें. So, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे साल मेहनत करने के बाद इन थोड़े से दिनों में ये बाहर का खाना, रम केक्स, चॉकलेट डिनर्स, ये सब हमारा वेट गेन का रीजन बनते हैं. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करें? क्या हम हेल्दी खाना ऑप्ट करें, या वहां पर भी अगर आप कहीं डिनर पे गए हैं बाहर तो वहां पे भी क्या हम कैलोरी काउंट करें? दैट इज नॉट पॉसिबल. तो उसके लिए आपको जो बातें ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट ये है, जब भी आप बाहर खाना खाने जाएं, ऑप्ट फॉर द रियल फूड, नथिंग एल्स. ईट एज मच रियल एज यू कैन. रियल फूड्स, बाय रियल फूड्स आई मीन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. कोई ऐसा खाना ऑप्ट नहीं करें जो पैकेट में आता है. मैंने हमेशा आपको ये बात बोली है कि फूड को हम जितना उसकी नेचुरल स्टेट में कंज्यूम करते हैं उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है. जो खाना प्लांट के थ्रू आता है दैट इज गुड, जो खाना एक प्लांट में बनता है दैट इज नॉट गुड. तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर एज मच रियल फूड एज यू कैन. दैट मीन्स रियल, आपकी बॉडी बहुत जल्दी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में फुल हो जाएगी. यू विल फील फुल और आप इस तरह से कम क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आपका वेट नहीं बढ़ेगा. तो रियल फूड जो है वो हेल्प करता है आपको वेट मेंटेन करने में, आपका वेट गेन नहीं होता अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में भी खाते हैं. बिकॉज रियल फूड, नेचुरल फूड इज हाई इन फाइबर. तो यू नो फाइबर के क्या फायदे हैं. तो रियल फूड आपके लिए गुड है. तो माई फर्स्ट टिप विल बी ऑलवेज ऑप्ट फॉर रियल फूड वेयर एवर यू कैन. सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, ड्रिंक एज मच एज वाटर एज यू कैन बिफोर गोइंग आउट फॉर अ मील. तो अगर आप 2 से 4 गिलास पानी खाना खाने या बाहर पार्टी पे या कहीं भी बाहर डिनर पे जाने से पहले अगर घर से पी के जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी फूड इनटेक की क्वांटिटी कम रख पाएंगे, क्योंकि वाटर विल कीप यू फूड फॉर लॉन्ग. प्लस मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि एट टाइम जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो हमारा ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, और वी एंड अप ईटिंग फूड बिकॉज हमें क्रेविंग होती है खाना खाने की. तो अगर आप पानी पहले से पीकर गए हैं तो यू विल फील फुल प्लस यू विल नॉट बी डिहाइड्रेटेड. तो आपको एक्स्ट्रा फूड कंज्यूम करने की क्रेविंग नहीं होगी. एक और पॉइंट जो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं, इफ यू आर स्मार्ट इनफ, आप जो पानी पीने वाले हैं आप उसमें सीलियम हस्क, जिसे हम इसब बोल भी कहते हैं, वो आप मिक्स करके पीजिए. सीलियम हस्क इज वेरी वेरी रिच इन फाइबर. तो अगर आप फाइबर कंज्यूम करके जाएंगे, अगेन सेम पॉइंट जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, सेम एक्सप्लेनेशन, फाइबर विल हेल्प यू इन कीपिंग फुल फॉर लॉन्ग टाइम. और आप अपना जो कैलोरीज है टोटल वो कम कंज्यूम करेंगे, फूड की क्वांटिटी कम कंज्यूम करेंगे और वेट गेन नहीं होगा. थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपना एक्सरसाइज शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना है. अब ये बात है आप जब बाहर खाना खाने जा रहे हैं उससे कुछ दिन पहले की, जैसे हमने बताया कि दिसंबर एंड में हॉलीडे सीजन शुरू हो जाता है, पार्टी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको पहले से अपने वर्कआउट को जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है. मैंने कभी इस बात का सपोर्ट नहीं किया कि आप बहुत सारी कैलोरीज खाओ और अगले दिन जिम में जाके बहुत एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को पनिश करो. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. तो आप धीरे धीरे अपनी स्केड्यूल में से 10 मिनट्स 15 मिनट्स का वर्कआउट जो है वो इंक्रीज कीजिए, सो दैट आपकी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर या स्ट्रेस भी ना हो और आपकी कैलोरीज भी बर्न हो. तो उस तरह से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करने से पहले ही अपनी कैलोरीज जो है बर्न ज्यादा बर्न कर चुके होंगे,
तो दैट वेज आपका वेट गेन नहीं होगा। अगर आपने ये पहले से मेंटेन नहीं किया है तो आप अपना फीस्टिंग के बाद भी जो है अपने धीरे धीरे अपनी जो वर्कआउट का टाइम बढ़ा सकते हैं एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन लूजिंग दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप अपनी प्लेट रेडी कर रहे हैं, आप अपना डिनर ले रहे हैं, तो आपको पोर्शन साइज का ध्यान रखना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है गाइस, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, हम अपना प्लेट जस्ट स्टफ कर लेते हैं कि खाने में ये भी है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अलग अलग वेराइटीज कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटीज पे ध्यान रखिए, पोर्शन साइज पे ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको और भूख लगी है तो आप बाद में और क्वांटिटी ले सकते हैं, बट इनिशियली स्टार्ट विद मिनिमम क्वांटिटी पॉसिबल। दैट वेज जो आप जल्दी फुल होंगे, आपका आप कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे, फूड भी कम कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एज फार एज द मेन कल्प्रिट द डिजर्ट्स आर कंसर्न, उसके लिए आपको 3 बाइट रूल फॉलो करना है। नाउ व्हाट इज दैट रूल? 3 बाइट रूल है कि आपको डेजर्ट की 3 बाइट्स यानी 3 बाइट्स ही लेनी है। जो फर्स्ट बाइट होगी दैट विल बी फॉर योर स्वीट क्रेविंग, जो आपकी क्रेविंग है डिनर के बाद कोई डेजर्ट लेने की। जो सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड बाइट होगी सॉरी, दैट विल बी फॉर यू टू एंजॉय द टेस्ट ऑफ दैट डेजर्ट। और जो थर्ड बाइट होगी दैट वुड बी अ बोनस बाइट, उसके बाद आपको अपना डिजर्ट कंज्यूम नहीं करना है। जस्ट फॉलो दिस 3 बाइट रूल एंड यू विल डेफिनेटली सेव ऑफ सो मेनी कैलोरीज फ्रॉम द डेजर्ट यू विल बी हैविंग आफ्टर योर मील। लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगी दैट विल बी डू नॉट जस्ट ईट एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी। आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट गो फॉर अ वॉक फॉर 20 मिनट्स मिनिमम, तो उससे क्या आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा बूस्ट होगा, आपकी बॉडी कैलोरीज जो बर्न करेगी और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बॉर्डिंग ऑफ दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वेट ना गेन करें तो एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक जो है अपने खाना खाने के बाद करें। डो नॉट जस्ट गो टू योर होम एंड जस्ट लाई डाउन एंड स्लीप, वैसा ना करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। और अगर आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं तो डू द डिशेज, आप घर में कुछ और काम कीजिए या प्ले विद योर पेट, व्हाटएवर यू कैन। थोड़ा सा 20-30 मिनट्स का आपका फिजिकल एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, दैट विल श्योरली हेल्प यू। जो भी फूड हम इस हॉलीडे सीजन में या फेस्टिवल सीजन में खाते हैं दैट इज वेरी हाई इन कैलोरीज, तो आपको ये 5 पॉइंट्स जरूर ध्यान रखने और फॉलो करने हैं सो दैट आप एक्स्ट्रा वेट ना गेन करें। और दैट इज इट, आई गेस इट्स अ रैप एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ईयर। And till then, be happy and stay healthy. Subscribe to my channel and share this video with all of your friends and family. New Year's mein, I have lots of plans. I have so many challenges and new tips, new videos and new missions coming for you. Also, make sure you subscribe to my channel and be an active member. And yes, I am also planning to, do a giveaway. So if you are active enough on my channel, you will definitely participate in that. So guys, subscribe to my channel and like this video. And today it's my birthday, so please like this video. And I will see you in my next video. Wish you all a very happy new year. All the health, luck and success. Take care. Bye-bye.